राम राम भाई सभी को, स्वागत है आपका फिर से। तो भाई ये आज हम जिस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं, हरियाणा कॉलेज अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस 2020 के लिए। भाई हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट एडिड कॉलेज हो या फिर सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज हो, किसी भी प्रकार के कॉलेज के अंदर अगर आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस लेने हैं, अंडर ग्रेजुएट का मतलब है 12th के बाद अगर आपको एडमिशन लेना है बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी कोर्स के अंदर, तो उसके लिए कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ कैसे है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डिटेल मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। हालांकि अभी तक फॉर्म नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक अवेलेबल करवाई है, एक वीडियो अवेलेबल करवाई है, जिसके अंदर आपको सभी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपील करना चाहूँगा आप सभी से, भाई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह की मेरी जितने भी अपडेट्स आएँ, एजुकेशनल और जॉब अपडेट्स, आपको सबसे पहले मिल सके। और दूसरी बात भाई, वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जितनी भी वीडियो होगी सारी की सारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव और काम की वीडियो है भाई, बिल्कुल भी वाहियात वीडियो नहीं है। इसमें कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसी कोई भी ऐड नहीं कर रखी जो आपके काम की ना हो। तो रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे ही गूगल क्रोम के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि पहले जो एडमिशन्स होते थे वो hireedu.hry.com के ऊपर आपके एडमिशन पोर्टल होता था और वहीं से फॉर्म फिलअप होते थे, लेकिन अब की बार 2020-2021 सेशन से गवर्नमेंट ने उस पोर्टल को हटा के एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है dheadmissions.nic.in। देखिए ये यहाँ पे जाके आपको अब की बार फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो इस तरह का कुछ एक वेब पेज आपके आगे आ जाएगा। अगर आप मोबाइल के अंदर भी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी अगर आप डेस्कटॉप यहाँ से तीन डॉट पे क्लिक करके और डेस्कटॉप साइट के ऊपर अपना क्लिक कर लेना है, जैसे मैंने कर रखा है। और कभी भी फॉर्म फिलअप करो मोबाइल के अंदर तो भाई डेस्कटॉप साइट पर क्लिक ज़रूर कर लिया करो, उससे काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरह का एक वेब पेज आपके आगे खुल जाएगा। तो यहाँ से इस पोस्टर के ऊपर जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं सारी, मैं आपको बताऊँगा अभी, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है वीडियो के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, कब फॉर्म निकलने वाले हैं, कब क्लोजिंग डेट है। तो सबसे पहले भाई ओपनिंग डेट क्या है, 7 सितंबर 2020, 7 सितंबर से फॉर्म निकलने वाले हैं। ये वीडियो आपको 4 सितंबर को अवेलेबल हो रही है यूट्यूब के ऊपर, यानी 2 से 3 दिन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आउट होने वाले हैं। उसके बाद क्लोजिंग डेट क्या है भाई, क्लोजिंग डेट है 21 सितंबर 2020, यानी 21 सितंबर तक भाई फॉर्म निकलेंगे। 14 डेज का इन्होंने कुछ प्लान बनाया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है कुछ समय के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाते, वो लेट हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ समय एक्सटेंड कर दी जाती है। ये फिर डिटेल्ड में डेट्स के बारे में बता रखे हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म स्टार्ट डेट 7 सितंबर, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड डेट 21 सितंबर, 14 डेज के लिए भाई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट 22 से 25 सितंबर। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में बुलाया जाता है भाई। वहाँ पे जाके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने पड़ते हैं जो अपने अपलोड किए थे, ताकि वहाँ से आपकी वो एक मेरिट प्रिपेयर कर सकें। तो वैसे ही आपकी वेरिफिकेशन के बाद पहली मेरिट भाई 26 सितंबर को लगने वाली है, 26 सितंबर को फर्स्ट मेरिट लग जाएगी भाई, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद इस फर्स्ट मेरिट के बाद जिसके अंदर जिसका नाम आएगा मेरिट लिस्ट के अंदर, उसको अपनी फ़ीस सबमिट करनी होती है। 26 से 29 सितंबर के बीच में आप अपनी फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जिस भी स्टूडेंट का कोई एडमिशन नहीं लेता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आया हुआ है और एडमिशन नहीं ले रहा है वो, तो
एक सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, जिस सीट वैकेंट हो जाती हैं, रह जाती हैं, कोई एडमिशन नहीं लेता है, तो बची हुई सीटों के ऊपर सेकंड मेरिट लिस्ट लगती है, जो 30 सितंबर को लगेगी भाई। 30 सितंबर को वो लिस्ट लगेगी, अगर उसके अंदर नाम आ जाता है तो फिर आपको फ़ीस भरनी है भाई। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच फ़ीस भरनी है भाई। उसके बाद इन्होंने कमेंसमेंट ऑफ टीचिंग यानी भाई पढ़ाई कब से शुरू होगी, तो 6 अक्टूबर की एक टेंटेटिव डेट दे रखी है। और फिर भी अगर फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है, सीट वैकेंट रह जाती है, तो एक ओपन काउंसलिंग का प्रावधान होता है भाई, जो 6 अक्टूबर को ओपन काउंसलिंग हर एक कॉलेजेस के अंदर एक पर्सन फिजिकल काउंसलिंग होती है, ओपन काउंसलिंग बोलते हैं जिसको, जो भी वहाँ पे स्टूडेंट अवेलेबल होते हैं उनमें से जिनके परसेंटेज सबसे ज़्यादा होते हैं सीट वाइज, उनको वो कोर्स ऑफर हो जाता है। तो ये था भाई, और अप्लाई की ये बात कर ली इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको अपलोड करने पड़ेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता है। तो उसके लिए जैसे ही हम गाइडलाइन फॉर एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो एक कुछ इस तरह का पीडीएफ हमारे सामने आ जाएगा, जिसके अंदर क्या लिख रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ। गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट, एक नंबर पे लिख रखे भाई, वेटेज वेयर एवर एप्लीकेबल वुड बी गिवन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द अपलोडेड डॉक्यूमेंट एंड द एप्लीकेंट शैल बी प्रोवाइडेड विद ए मैक्सिमम वेटेज ऑफ 10%। तो भाई इसके अंदर ये लिख रखे है कि मैक्सिमम आप 10% की वेटेज गेन कर सकते हो। वेटेज के बारे में मैंने एक जो शुरू में नोटिफिकेशन आउट हुआ था जिसके अंदर वेटेज के बारे में लिख रखा था, तो उसके अनुसार आप सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की ही वेटेज गेन कर सकते हो। वेटेज आपको कैसे मिलती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वेटेज होती है भाई NSS, YRC इनकी वेटेज होती है, रूरल की वेटेज होती है 5% की, और अब की बार से कॉलेज एडमिशन्स के ऊपर एक अलग तरह की वेटेज के प्रावधान है। उस वेटेज के बारे में सुनना भाई ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। तो वो वेटेज किस प्रकार है, अगर आपने 12th के अंदर 8 से की है और आप BA के अंदर एडमिशन लेते हैं हरियाणा के किसी भी कॉलेज के अंदर, तो आपको वेटेज मिलती है 5 मार्क्स की। और सेम प्रोसीजर में अगर आपने 12th की है और भाई साइंस से की है, 12th फ्रॉम साइंस से की है और आप BSc के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं BSc, तो उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स की वेटेज मिलती है। तो भाई 5 मार्क्स की वेटेज तो आपको यहाँ से मिल जाती है, 5% की वेटेज आपको मिल जाती है इसके रूरल से। NSS कर रखा है, NCC कर रखा है जो 12th लेवल पे होते हैं, तो उनकी भी अलग से वेटेज मिलती है, लेकिन मैक्सिमम 10 मार्क्स की वेटेज ही आप ले सकते हैं। उसके बाद भाई सेकेंड पॉइंट के अंदर लिख रखा है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑनलाइन बाय द एप्लीकेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है फॉर्म को ऑनलाइन फिल करते वक्त, तो सबसे पहले भाई स्कैंड कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपके पास होता है उसको स्कैन करवा लेना है, और एक डेफिनेट साइज के अंदर अपलोड होएगा भाई, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आगे आने वाली जो वीडियो है इसी का आगे पार्ट के अंदर आपको सब कुछ क्लैरिफाई होने वाला है। स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर की आपको भाई स्कैन करके एक डेफिनेट साइज के अंदर बना लेना है। 10th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अदर देन हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड, इसमें ये लिख रखे भाई माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप HBSC से किसी अन्य बोर्ड, HBSC को छोड़कर अगर किसी CBSE या फिर किसी बिहार बोर्ड और UP बोर्ड जो भी है यहाँ से अगर आपने 12th की है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको पता है कि वह स्कूल से बन के आता है, आप सभी का आ गया होगा भाई, मार्कशीट के साथ ही आ जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट भी। NCC NSS स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर वेटेज, जो मैंने अभी आपको बताया भाई NCC NSS स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इनकी वेटेज लगती है, तो उनके लिए सर्टिफिकेट होता है उसी से वेटेज आपको मिलेगी। बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा सर्टिफिकेट इफ़ पॉसिबल, इसमें ये लिख रखे भाई हरियाणा डोमिसेल की आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर फॉर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ EWS और SC/BC स्कॉलरशिप इफ एप्लीकेबल, अगर आप EWS से बिलोंग करते हो या फिर SC/BC हो, तो आप SC/BC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, और स्कॉलरशिप के लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हो, क्योंकि भाई SC/BC के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान है कॉलेजेस के अंदर, जिसके आप एडमिशन लेने के बाद उन सभी डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा एडमिशन टाइम पर ही। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC/BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई आपका सर्टिफिकेट बना होता है एक SC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, जो भी EWS सर्टिफिकेट जो भी हैं, तो उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं बनवाया है तो भाई बनवा लो, उसकी शायद वैलिडिटी 1 ईयर की होती है,
या फिर 6 मंथ की इनकम की होती है और 1 ईयर की शायद सर्टिफिकेट की होती है EWS वगैरह, तो उसका आप देख लेना। अगर आपने कोई गैप ईयर ले रखा है 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं भाई नेट नीट की JEE की, तो उसके लिए वो गैप ईयर एफिडेट बनवाना पड़ता है, कोर्ट से बनता है वो, उसके लिए आपको वहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में क्या लिख रहा है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट विल अपियर इन द मेरिट लिस्ट आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी मेरिट। इसमें ये लिख रखा है भाई, नेम ऑफ एप्लीकेंट विल अपियर मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आ जाएगा आफ्टर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका फॉर्म फिलअप करने के बाद कॉलेज के अंदर जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, तो अब की बार कॉलेज में जाने की शायद आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी मेरिट। आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है, इस पॉइंट के अंदर ये लिख रखा है भाई। फोर्थ में है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट कैन नाउ ऑप्ट फॉर EWS कोटा विद हरियाणा जनरल कोटा, हाउएवर दे नीड टू अपलोड द रिक्वायर्ड। इसमें लिख रखा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट EWS में भी अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा जनरल कोटा के अंदर, उनको ऑल इंडिया कोटा नहीं, हरियाणा जनरल कोटा के अंदर भी दो तरह की कैटेगरी होती है भाई जनरल की, एक AIO होती है और एक HOGC होती है, और जो EWS था वो अब की बार HOGC कैटेगरी के अंदर भी इन्होंने अप्लीकेबल करने की बात बता रखी है यहाँ पे, और EWS की लिस्ट अलग से लगती है भाई। फिफ्थ नंबर पॉइंट के अंदर क्या लिख रखे, आफ्टर फाइनल सिलेक्शन द एडमिशन चार्जेस शैल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, देर इज नो प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन चार्ज फिजिकली एट द कॉलेज। इसमें लिख रखे भाई अब की बार सारा सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नेम आ जाता है तो आपको ऑनलाइन ही फीस पेमेंट करनी पड़ती है। सिक्स्थ पॉइंट के अंदर क्या लिख रखा है, ये फाइनल पॉइंट नहीं, सिक्स्थ पॉइंट के अंदर क्या लिख रखा है, ऑल एडमिशन डन आर प्रोविजनली, कॉलेज यूनिवर्सिटी विल कैंसिल एनी सच एडमिशन इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी फिक्टिशियस बोगस एट द एनी स्टेज द स्टूडेंट कंसर्न विल हेल्ड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसमें ये लिख रखा है भाई जितने भी एडमिशन अब की बार हो रहे हैं वो प्रोविजनल है, कॉलेज यूनिवर्सिटी को अगर ऐसा लगा भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी सर्टिफिकेट आपने झूठा बना के लगा रखा है वेटेज वगैरह के लिए जो भी है, तो वो आपका एडमिशन उसी टाइम पे कैंसिल करने कर सकते हैं, उनके पास पावर है। सेवंथ पॉइंट के अंदर ये लिख रखा है, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज रिजेक्टेड ड्यू टू सम रीजन ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन ए सिस्टम जनरेटेड SMS विल सेंड टू एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट विल रिक्वायर टू रीअपलोड एंड द करेक्ट डॉक्यूमेंट ऑन द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल बाय लॉगिंग इन हिज हर अकाउंट विद 48 आवर ऑफ रिसीविंग दैट SMS नो फिजिकल प्रेजेंस शैल बी रिक्वायर्ड टू रिवाइज। इसमें ये लिख रखा है अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए एक SMS आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा कॉलेजेस की तरफ से, इसकी हायर एजुकेशन की तरफ से, उस SMS के आने के 48 आवर के अंदर अंदर आप अपना वो डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ होगी है भाई कैंसिल हो गया है अपलोड करा उड़ा, तो उसके लिए आपको SMS आ जाएगा, तो भाई नंबर वो ही देना जो एक्टिव है जिसको आप बार बार देखते रहते हो, ईमेल आईडी भी आपको देनी पड़ेगी, उसके लिए इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है भाई, काफ़ी कई बार समस्या आ जाती है ऐसी। ये हिंदी में है, अगर आपको हिंदी में इंफॉर्मेशन पढ़ती है तो भाई वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, मैं इसको आराम आराम से एक बार स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये थी गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेंट। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी हैं भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वेटेज के बारे में बता दिया, और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि भाई फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ। एक वीडियो है भाई जो हायर एजुकेशन हरियाणा की तरफ से ऑफिशियली वो वीडियो डाली गई है स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो वीडियो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ। अब आपको स्क्रीन पे वो वीडियो दिखेगी, उस वीडियो में ये बता रखा है कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, ये वीडियो है भाई। इस वीडियो को अब अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ और अब इस वीडियो को देखें भाई, उसके बाद मिलते हैं। नमस्कार, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट जो है ये dheadmissions.nic.in पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपके सामने ये पेज निकल कर आएगा। इस पेज में आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन 2020-2021 का आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर क्लिक किया, उसके बाद आपके सामने ये पेज निकल कर आएगा जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपने 12वीं बोर्ड कहाँ से की। आप ऊपर यहाँ देखें यदि, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया गया है। हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी में आएगा, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में आएगा।
उसके बाद आपको सबसे पहले अपना बोर्ड जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यदि आप हरियाणा बोर्ड से पढ़े हैं तो वह CBSE से हैं तो CBSE का आप सेलेक्ट कर देंगे। जिस भी बोर्ड से आपने अपनी 12वीं कक्षा पूरी की है उसे आपको यहाँ पर भरना होगा। मान लीजिए कि जो अभी आवेदन भर रहे हैं उन्होंने हरियाणा बोर्ड से किया है, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। मान लीजिए यदि मेरा नाम गुलशन है और उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब उसे यहाँ पर लिखने के बाद मुझे मेरा रोल नंबर यहाँ पर भरना है। मैंने जैसे ही अपना यहाँ पर रोल नंबर भरा, रोल नंबर भरने के बाद मुझे यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग भी देना है। यदि वो 2000 ही है तो सही है, नहीं तो 2019 या जितना भी जिस भी साल में मैंने अपनी जो 12वीं कक्षा है वो पास की है उसे मैं यहाँ पर भर दूंगा। उसे भरने के बाद गेट डाटा वाली जगह पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही गेट डाटा वाली जगह पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पिता का नाम, मेरे माता का नाम, यहाँ पर ये सारी जानकारी पहले से ही आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिंक के साथ स्टार का साइन बना हुआ है तो ये वह चीज़ें हैं जो मुझे भरनी ही भरनी है। यहाँ पर मैं अपना जेंडर चूज़ करूँगा। जेंडर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर अपना भरना है जिस पर मेरे पास OTP आएगा। ये मोबाइल नंबर ध्यान दीजिएगा कि एक मोबाइल नंबर पर एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है, तो आप कृपया अपना ही मोबाइल नंबर दें या किसी और से फॉर्म ना भरवाएं। कृपया खुद के ही फ़ोन से आप ये जो फॉर्म है इसे भरें। यहाँ पर फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप वो यहाँ पर भर देंगे। मान लीजिए वो है gulshan@gmail.com। ईमेल आईडी भी सही भरना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपको इसकी सारी जानकारियाँ आएंगी। यदि कोई भी आपको संदेश देना है तो आपके फ़ोन पर मैसेज के ज़रिए या आपको ईमेल आईडी के ज़रिए विभाग द्वारा मिलेगा एवं इसकी कंफर्मेशन और इसके जितने भी आपकी आपने फॉर्म डिटेल्स भरी हैं उसका यदि कोई नंबर होता है तो वह भी आपके पास वहीं से आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जो स्ट्रीम है जो आपकी प्लस टू में थी, 12वीं में थी, वह आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। मान लीजिए वे थी आर्ट्स, मैंने यहाँ पर भर दिया। उसके बाद आरक्षण श्रेणी, आरक्षण श्रेणी यदि मान लीजिए मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ या EWS या जो भी है, जनरल है या जो भी है, वो आपको यहाँ पर भरनी है। शेड्यूल कास्ट लेके चलने के बाद यहाँ पर जाति श्रेणी मुझसे पूछी गई है, जाति श्रेणी भी शेड्यूल कास्ट चली जाएगी। फिर उसके बाद जाति, मैं यहाँ पर अपनी जाति भरूँगा, जिस भी जाति से मैं बिलोंग करता हूँ वो मैंने यहाँ पर भर दी, कोई भी फ़िलहाल मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मेरी आधार कार्ड की संख्या यहाँ पर बताई गई है कि आधार कार्ड नंबर वगैरह इन सब की जानकारी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि मैं उच्च शिक्षा विभाग के साथ अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से अपना आधार नंबर से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि आप हरियाणा के निवासी हैं। यदि आप हाँ पर क्लिक करते हैं तो वे आपसे एंटर फैमिली आईडी बोलेगा। यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो वह आप यहाँ पर भर देंगे। यदि आप हरियाणा से नहीं हैं तो आप नहीं भर देंगे। क्या आपने हरियाणा से 12वीं की है? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप अल्पसंख्यक वर्ग से हैं? यदि आप कोई भी माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं तो आप यहाँ पर उसमें से जिस भी माइनॉरिटी से आप हैं उसे यहाँ पर चुन लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप कश्मीरी प्रवासी हैं, हाँ या ना, इसका उत्तर आपको देना है। आपके पास वोटर आईडी है? यदि वोटर आईडी है तो हाँ। हाँ भरने के बाद आपको यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर भी भरना होगा। यदि है तो आप भर दीजिए, नहीं तो नहीं पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, इसके बिल्कुल साथ में आपको टिक करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपकी ये जानकारियाँ पूरी सेव हो चुकी हैं। यहाँ पर आपने रजिस्टर करें वाली जगह पर क्लिक किया। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया अब वे आपसे आपका OTP मांगेगा। OTP आपको उसी नंबर पर आएगा जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया था। जैसे ही OTP आ जाए आप यहाँ पर OTP भरेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने इस पर OTP भरा, OTP भरने के बाद यहाँ पर मुझे मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है, मेरा पासवर्ड यहाँ पर मिल गया है। और इसका आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका पासवर्ड गुम हो जाए या आप उसे भूल जाए तो ये पासवर्ड आपको आपके फ़ोन पर मिलेगा। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ
ओके पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये पेज निकल कर आया। इस पेज में मैं नीचे गया, यहाँ पर उसने मुझसे पूछा है लॉग इन योर अकाउंट डिटेल्स। तो मेरे को जो उस टाइम पर रजिस्ट्रेशन आईडी मिली थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, नीचे उसका पासवर्ड भी भर दिया है और यहाँ पर नीचे एक सिंबल दिखाया है जो मुझे यहाँ पर भरना है, वो है साइन इन। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने पहले लॉग इन पर क्लिक किया था उसके बाद मेरे सामने ये पेज निकल कर आया। अब यहाँ पर मुझसे मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं, जिसमें से मुझे यहाँ पर यदि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिसमें से पहला स्टेप है मेरी पर्सनल डिटेल्स का। यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे विद्यार्थी का नाम पूरा है, उधर पिता का नाम और ऐसे सब चीज़ें पहले से ही भरी हुई हैं। इन्हें मैं सही नहीं कर सकता, ये पहले से भरी गई हैं क्योंकि ये मैं पहले भर चुका था। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मुझसे पूछा गया है, यहाँ मैं लिख दूंगा कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। फादर की ऑक्यूपेशन पूछी गई है कि वो किसान हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी यहाँ पर दूंगा। यदि मान लीजिए वे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भर दूंगा। माँ का व्यवसाय पूछा गया है, यदि वे कुछ काम करती हैं तो मैं यहाँ पर भर दूंगा। यदि वो हाउसवाइफ हैं तो वे भर दूंगा। यहाँ पर गार्डियंस नेम भी पूछा गया है, यदि मान लीजिए आप किसी बाहर के कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका कौन गार्डियन रहेगा, अभिभावक कौन रहेगा, इसकी जानकारी यहाँ पर देना है। यह भी अनिवार्य नहीं है क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं है, तो इसे मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। यदि आपके पास ऐसे कोई हैं तो आप उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। मेरा ब्लड ग्रुप पूछा गया है, मैं अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर भरता हूँ। मेरा धर्म, ये सभी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक भरनी हैं, आप कृपया इसका ध्यान दें। और अब मुझे भरनी है कि मेरे घर पर कोई भी इनकम जितने भी साधनों से आ रही है वे मैं यहाँ पर भरूँगा। ये सालाना इनकम है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर भर दीजिए। फिर मेरा परमानेंट एड्रेस मुझसे पूछा गया है, यदि मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ तो रूरल पर क्लिक करूँगा, यदि किसी शहरी क्षेत्र से हूँ तो वह मैं यहाँ पर अर्बन कर दूँगा। राज्य मुझसे पूछा गया, राज्य मेरा है वो मैं यहाँ पर भर दूँगा, हरियाणा। उसके बाद मुझे यहाँ पर उसकी डिस्ट्रिक्ट भरनी है, डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद म्यूनिसिपैलिटी के बारे में पूछा है, जो भी जानकारी मुझसे यहाँ पर मांगी है वो मैं यहाँ पर भर दूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर पिन कोड भरना होगा अपने क्षेत्र का। नीचे पूछा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि मेरा कोई भी एक परमानेंट एड्रेस के अलावा पता है तो वे मैं यहाँ पर भर दूंगा, यदि नहीं है तो यहाँ जो टिक है ये टिक मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो जो आप ध्यान देंगे ऊपर जो मैंने एड्रेस भरा था वही नीचे भी देखने को मिल गया। अब गैप ईयर पूछा है कि यदि मैंने 12वीं की कक्षा पूरी करने के बाद क्या कोई साल ड्रॉप किया है या कोई ऐसा साल है जिसके बाद मैं जाकर अब अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करने वाला हूं, तो वह मैं यहां पर भर दूंगा। यदि नहीं है तो ज़ीरो ही लिखूंगा और बाय डिफ़ॉल्ट भी ये ज़ीरो ही होगा। क्या मुझे हॉस्टल की आवश्यकता है, यदि हाँ तो यहां पर मैं यस करूंगा। मान लीजिए मैंने यस पर क्लिक कर लिया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं खुद के साधन से आऊँगा या मैं सरकारी बस या अन्य ट्रेन है या कोई भी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी सहायता से आऊँगा, जो भी है वो मैं यहाँ पर भर दूंगा। फिर पूछा गया है कि क्या आप BPL कैटेगरी से हैं, क्या आपके पास पासपोर्ट है, यदि है तो आप यहाँ पर उसका नंबर भरेंगे, नहीं है तो नो। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर, यदि हाँ तो आप भर देंगे, नहीं तो ना कर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पर क्लिक करने पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पूछा जाएगा, नो पर क्लिक करेंगे तो नहीं पूछा जाएगा। यदि आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो यस पर क्लिक करें, नहीं चाहिए तो नो पर। और यदि आप जैसे लिटरेचर फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल हो गए, इनके लिए साइन अप करना चाहते हैं तो यहाँ आप यस या नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यदि आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भाग लेना है तो आप उसके लिए हाँ या ना वाले स्थान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप पूरी जानकारी फिर से एक बार चेक कर लें कि आपने सही भरी है या नहीं। यदि नहीं भरी है तो उसे सही करें और जैसे ही पुष्टि हो जाए आप यहाँ पर सेव वाली जगह पर क्लिक कर देंगे।
सेव वाली जगह पर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो सेव हो गई। आप ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने सेकंड स्टेप निकल कर आएगा। स्टेप वन के बाद आता है स्टेप नंबर टू, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जाकर आपको अपनी सबसे पहले स्ट्रीम भरनी है, जो कि पहले भी आपने भरी थी तो यहाँ पर आपको वही स्ट्रीम दिखेगी। इसके बाद एग्ज़ाम्स पास्ट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको आपकी टेंथ की सारी जानकारी देनी है कि आपने कौन से बोर्ड से किया, आपका स्कूल कौन सा था, रोल नंबर, रिजल्ट स्टेटस, पासिंग ईयर्स और वहाँ पर मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेंड और इसी तरीके से आपको परसेंटेज भी यहाँ पर भर देनी है। इसे भरने के बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल उसके ठीक नीचे है, ट्वेल्थ के बाद है डिप्लोमा। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। बाकी आपकी जो ट्वेल्थ की जानकारी है वो यहाँ पर आपको पहले से ही उपलब्ध प्राप्त होगी। यदि आप पास हैं तो बस आपको वे भरना है, पास हैं या री अपीयर है किसी एग्ज़ाम में तो वे यहाँ पर आप भर देंगे। उसके बाद वहाँ पर कितने मार्क्स आपके आए वो मैक्सिमम मार्क्स, सब्जेक्ट कौन कौन से थे और परसेंटेज आपको यहाँ पर भरनी है। ये सब भरने के बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको आपकी ट्वेल्थ की मार्क्स डिटेल्स दिख जाएंगी। ट्वेल्थ की मार्क्स डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आपकी अवेलेबल हैं। आप इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया सेव की जगह, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आया एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैव बीन सेव सक्सेसफुली। आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने आएगा स्टेप नंबर थ्री, जहाँ पर वेटेज की बात यहाँ पर की गई है। मान लीजिए आपके पास नेशनल टैलेंट अवार्ड फ्रॉम NCERT है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, या इनमें से कुछ भी है तो आप उन पर क्लिक करते जाएंगे। जैसे हैव यू पास योर 10+2 डिप्लोमा फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ हरियाणा, इस पर भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। यदि हाँ तो यहाँ आपकी फिर से कैटेगरी पूछी गई है, शेड्यूल कास्ट आपने पहले भी भरी हुई है तो ये पहले से ही भरी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पर आप सेव कर देंगे। वेटेज डिटेल्स सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये है स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर में आपके सामने ये डिटेल्स निकल कर आएंगी। यदि आपने पीछे जहाँ पर वेटेज वाली जगह है, मैं आपको फिर से यहाँ पर जाके बता दूँ कि वेटेज वाली जगह पर यदि आपने यहाँ पर NCC कैडेट्स के लिए यस किया होता, यहाँ पर आपने नीचे जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी भी आप यदि आपने यहाँ पर शेड्यूल कास्ट लिखी होती, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिर आपके सामने क्या ऑप्शंस आते। मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पर ऐसे फ़िलहाल के लिए ये डिटेल्स भर दी, मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कौन से ऑप्शंस आए, SC सर्टिफिकेट, फ़ोटो सिग्नेचर और NCC कैडेट का। अब यहाँ पर मुझे मेरा SC का सर्टिफिकेट नंबर भरना है, ई दिशा ट्रांजेक्शन ID जिसको बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर भरूँगा। यदि मेरे पास ये ट्रांजेक्शन ID नहीं है तो मैं जहाँ पीछे जाकर जो वेटेज वाली जगह है यहाँ पर जाकर अपनी कैटेगरी चेंज कर दूँगा, चाहे मैं शेड्यूल कास्ट ही क्यों ना हूँ, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पर वो नंबर नहीं भरूँगा यह मुझे वेरीफाई नहीं करेगा। तो यदि आपके पास अभी आपका SC का सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप जनरल कर दीजिए, तभी आप आगे ये पूरा फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है NCC कैडेट्स वाला, जहाँ पर सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप वेटेज में फिर से जाएं और जहाँ पर आपने ये यहाँ जहाँ यस किया था ये यस का ऑप्शन नो में बदल दें, और जो शेड्यूल कास्ट है यहाँ पर अपना ऑप्शन जनरल कर दें। जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर जनरल करता हूँ, मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। सेव पर क्लिक करने के बाद अब जब आप यहाँ पर वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो पहले SC के सर्टिफिकेट मांगने वाला ऑप्शन था एवं यहाँ पर NCC कैडेट का जो ऑप्शन था, वह ऑप्शन अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपने चूज़ फाइल पर क्लिक किया अपनी तस्वीर के लिए, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट में आपकी फ़ोटो और एक सिग्नेचर मांगा हुआ है। फ़ोटो पर आपने क्लिक किया, आप अपने मोबाइल के फाइल्स वाली जगह पर गए और वहाँ पर जाकर आपने अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड कर दी। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आपकी तस्वीर है वो साइड से ना हो या दूर से भी ना हो, वो एक पासपोर्ट फ़ोटो की तरह लगनी चाहिए एवं वह सही हो, आप ही की हो, इसका ध्यान आपको देना है। सिग्नेचर वाली जगह पर भी जाकर आपको एक सफ़ेद कागज़ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, दस्तखत करने के बाद उसकी तस्वीर खींचनी है और वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है।
उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर कोई भी तस्वीर अपलोड कर दी है, आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो और अपने सिग्नेचर ही अपलोड करने हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव वाली जगह पर क्लिक करता हूँ, ये मुझे अगले स्टेप पर लेकर जाता है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में जाकर आपको चॉइस ऑफ कोर्सेज भरने हैं। इसमें सबसे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है, आप वह डिस्ट्रिक्ट भरेंगे जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। मान लीजिए वह है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट और मैंने उसे चुना। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में कौन से कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ वह मैं यहाँ पर चुनूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना कोर्स चुनूँगा। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर वही कोर्सेज अवेलेबल होंगे जो कोर्सेज उस कॉलेज में करवाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यहाँ पर चुन लिया। कोर्स अनुभाग मुझे यहाँ पर चुनना है, जैसे एडिड है तो मैं एडिड पर क्लिक करूँगा। इसके बाद है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वे कोर्सेज हैं, उसके सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ उस कोर्स में। तो मान लीजिए मैं इसमें से कॉम्बिनेशन जो चुनता हूँ वो है इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, वो मैंने यहाँ पर चुन लिया है। इसके बाद मैं इसे ऐड टू लिस्ट कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि कोर्स एडेड सक्सेसफुली की नोटिफिकेशन आपके सामने आई। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस कोर्स के लिए जिस कॉलेज में जा रहे हैं वह आपके लिए अवेलेबल ना हो, उसमें सीट पूरी हो जाए, या आप ऐसा भी हो सकता है आपकी उसके अलावा भी कोई और प्रेफरेंस है। तो आप ठीक उसी प्रोसीजर के साथ यहाँ पर मान लीजिए कुरुक्षेत्र अम्बाला पास में है, मैं अम्बाला चुन लेता हूँ। अम्बाला चुनने के बाद मैंने अम्बाला का कोई कॉलेज चुना, वहाँ पर कोर्स मैंने चुन लिया कि मान लीजिए मैंने पहले भी बीए चुना था, मैं बीए चुन लेता हूँ। बीए चुनने के बाद एडिड, उसका कॉम्बिनेशन अब मुझे यहाँ पर भरना है। अब इसमें से जो जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है उसमें से एक कॉम्बिनेशन मैं चुन लूँगा। इसे मैंने चुन लिया और ऐड टू लिस्ट कर दिया। ऐड टू लिस्ट करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर कॉलेजेस दोनों आ गए। अब मान लीजिए मैं इतने ही कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस मान के चलता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब अगला स्टेप है लोक प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि वह दो कॉलेज मुझे दिखाई दे रहे हैं जो मैंने पिछली बार चूज़ किए थे चॉइस ऑफ कोर्सेज वाली जगह। अब इसमें से मैं चाहता हूँ कि मुझे अम्बाला में पढ़ना है। कुरुक्षेत्र मेरी पहली प्रेफरेंस नहीं है। मैं अब यहाँ पर रीऑर्डर कर दूँगा कि यदि मान लीजिए मैंने उस पर क्लिक किया, मुझे अम्बाला को ऊपर उठाना था, तो मैं ऊपर वाले एरो पर क्लिक करूँगा। जैसे आप फिर से देख लीजिए कि अम्बाला को मैं चाहता हूँ कि दूसरे नंबर पर आए और मैं कुरुक्षेत्र पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं अम्बाला को जो कि ऊपर है उसे नीचे वाले एरो पर क्लिक कर दूंगा। इससे उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब कुरुक्षेत्र वाला यानी कि पियोमा वाला कॉलेज पहले आ गया और अम्बाला दूसरे नंबर पे। मैं ऐसे ही सेव एंड एग्ज़िट कर दूंगा। यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई द प्रेफरेंस, यानी कि यदि आपने एक बार इसे सेलेक्ट कर दिया तो वह प्रेफरेंस आप दोबारा बदल नहीं पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक सोच समझ कर ही अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर चुनें। यस आई एम श्योर, मैंने उस पर क्लिक किया। स्टेप नंबर 6 के बाद आता है स्टेप नंबर 7 यानी कि डिक्लेरेशन का। स्टेप नंबर 7 में मेरी सारी जानकारी मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगी जो मैंने पहले भरी थी, या जो जो स्टेप्स मैंने अभी पीछे पूरे किए हैं वो सारे मुझे यहाँ पर दिखेंगे। अब मुझे डिक्लेयर करना है कि मैं इन सब से सहमति रखता हूँ और ये मेरी तरफ से बिल्कुल सही हैं और मैं एंटी रैगिंग एक्ट के तहत रैगिंग में किसी भी हाल में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, इसकी भी मुझे डिक्लेरेशन यहाँ पर देनी होगी। उसकी डिक्लेरेशन देने के बाद मेरे पास नीचे दो ऑप्शन आते हैं, एक प्रिंट का, एक सबमिट का ऑप्शन आता है। मैं कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया मेरे पास फिर से नोटिफिकेशन आई, उसमें लिखा है आफ्टर फाइनल सबमिशन यू विल बी अलाउड टू चेंज द डिटेल्स ओनली वंस, यानी कि इसके बाद यदि आपको लगता है आप कुछ बदलना चाहते हैं तो केवल एक बार ही अपनी डिटेल आप बदल पाएंगे, उसके बाद वो डिटेल आप नहीं भर पाएंगे। तो इसे सोच समझ कर ही भरिए। यस आई एम श्योर, मैंने कर दिया। योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब मैं इस पर ओके पर क्लिक करूँगा और ये मुझे सीधे लॉगिन वाली जगह पर लेके जाएगा। अब यदि मैं कुछ भी बदलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन आई डी डालूँगा, पासवर्ड डालूँगा, ये वाला जो कैप्चा यहाँ पर दिया है ये डालूँगा और इस प्रकार मैं अपनी डिटेल्स फिर से चेक कर सकता हूँ। यदि मैं फॉर्म का प्रिंट चाहता हूँ तो वह भी मैं निकाल सकता हूँ।
इस प्रकार आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपना पूरा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। धन्यवाद। तो भाई जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कैसे फॉर्म फिलअप किया है स्टेप बाय स्टेप, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अवेलेबल करवाई है। भाई मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको कोई ऐसा डाउट होगा जो क्लियर नहीं हुआ होगा, और अगर फिर भी कोई ऐसा डाउट है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी। 7 सितंबर से फॉर्म निकल रहे हैं, ये वीडियो आपको 4 सितंबर को यूट्यूब पर मिल रही है, आपके पास 2 से 3 दिन है। अगर कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं। कुछ समय, काफ़ी कम समय के लिए फॉर्म निकल रहे हैं, तो भाई अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास कमेंट कर सकते हो। और भाई फॉर्म निकलने के बाद पर्सनली एक फॉर्म खुद फिलअप करके दिखाऊंगा जिसके अंदर आप खुद अपने घर पर बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कॉलेज एडमिशन्स के लिए। अब की बार काफ़ी सरल हो गया, जैसे पीछे वीडियो में देखे आपने अपने कॉलेज के ट्वेल्थ के रोल नंबर डालते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक अपडेट हो रही है, तो भाई काफ़ी सहज कर दिया है ये काम गवर्नमेंट ने। तो भाई उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के पास जिन्होंने अभी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के लिए भाई अगेन थैंक यू सो मच।